वैसे कहते हैं कि आदतें औकात बता देती हैं। एक बार की बात है, एक राजा के दरबार में एक अजनबी इंसान नौकरी मांगने के लिए आया। जब उससे यह पूछा गया कि उसकी काबिलियत क्या है, उसको नौकरी पर क्यों रखा जाए, तो उसने बोला कि मैं आदमी हो या जानवर, शक्ल देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। राजा ने उसकी इस काबिलियत को देखते हुए उसे अपने खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। चंद दिनों बाद राजा ने उससे अपने सबसे महंगे और मनपसंद घोड़े के बारे में पूछा, तो उस व्यक्ति ने कहा कि जो आपका यह घोड़ा है यह नस्ली नहीं है। राजा को बड़ी हैरानी हुई। उसने जंगल से घोड़े वाले को बुलाया और उससे पूछा। घोड़े वाले ने बताया कि घोड़ा तो नस्ली है, पर जब यह पैदा हुआ था तो इसकी माँ मर गई थी। ये एक गाय का दूध पीकर उसके साथ पला बड़ा है। तो फिर राजा ने अपने नौकर को बुलाया और पूछा। राजा उसकी काबिलियत से बहुत खुश हुआ। उसने नौकर के घर अनाज, घी, मुर्गे, अंडे बतौर इनाम भिजवा दिए और उसे रानी के महल में तैनात कर दिया। चंद दिनों बाद राजा ने उससे रानी के बारे में राय मांगी, तो उसने कहा, तौर तरीके तो रानी जैसे हैं, लेकिन पैदाशी ये रानी नहीं है। राजा के तो पैरों तले जमीन निकल गई। उसने अपनी सास को बुलाया, उसको सारा मामला बताया, तो सास ने कहा, हकीकत यह है कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हुआ यूं कि मेरी बेटी 6 माह में ही मर गई थी। लिहाजा हमने आपके रजवाड़े से करीबी रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। राजा ने फिर अपने नौकर से पूछा कि यार तुमको कैसे पता चला। उसने कहा, रानी साहिबा का नौकरों के साथ जो सुलूक है ना, वो गंवारों से भी बुरा है। एक खानदानी इंसान का दूसरों से व्यवहार करने का एक जो तरीका होता है, वो तरीका रानी में बिल्कुल भी नहीं है। राजा फिर उसकी पारखी नजरों से खुश हुआ और बहुत से अनाज, भेड़ बकरियां बतौर इनाम दी। साथ ही उसे अपने दरबार में तैनात कर दिया और बोला कि आज से तुम हमारे दरबार में रहोगे। कुछ वक्त यूं ही गुजरता रहा। राजा ने एक बार फिर नौकर को बुलाया और अपने बारे में पूछा। नौकर ने कहा कि अगर आप जान की सलामती दें तो मैं कुछ कहूं। राजा ने वादा कर दिया कि ठीक है भाई, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तो उस नौकर ने कहा, ना तो आप राजा के बेटे हो और ना ही आपका चाल चलन राजाओं वाला है। राजा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि राजा ने सलामती का वचन पहले ही दे दिया था। तो राजा सीधा अपनी माँ के महल पहुंचा और अपनी माँ से पूछा कि सही सही बताओ कि मैं कौन हूँ। तो उसकी माँ ने कहा, ये सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो, हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें गोद लेकर हमने पाला। राजा ने नौकर को बुलाया और पूछा कि ये बता कि तुझे पता कैसे चला कि मैं राजा नहीं हूँ। उसके नौकर ने कहा, जब राजा किसी को इनाम दिया करते हैं तो हीरे मोती और जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। आप भेड़ बकरियां खाने पीने की चीज़ें दिया करते हैं, और ऐसा व्यवहार किसी राजा का नहीं हो सकता। किसी चरवाहे के बेटे का ही ऐसा व्यवहार हो सकता है। किसी इंसान के पास कितनी भी धन दौलत, सुख समृद्धि, रुतबा, इल्म, बाहुबल कुछ भी हो, ये सब बाहरी दिखावा होता है। इंसान की जो असलियत होती है, उसकी जो असली पहचान उसके व्यवहार और उसकी नीयत से होती है। तो दोस्तों, आपकी नीयत कैसी है, आपकी आदतें कैसी हैं, यानी आप किस प्रकार का व्यवहार, किस तरह का आचरण लोगों के साथ कर रहे हैं, ये तय करती हैं कि आपकी औकात कैसी है, यानी आपकी हर आदत आपकी औकात बताती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल लाइमलाइट वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम इसी तरह की रोचक कहानियाँ आपके सामने ला सकें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।